ना करवाएं। तो ले मैं क्यों इनकी नीयत के ऊपर शक करता हूं? ये वो लोग थे, ये शरीफ खानदान, इन्होंने सबसे पहले 1990 के अंदर जब प्लॉट्स के ऊपर इनको बुलाया गया, इन्होंने नवाज शरीफ ने बड़े ज्यादा प्लॉट्स दे दिए थे, रिश्वत दी थी लोगों को, पता नहीं पैसे अरबों रुपए के बनाए थे, मैं 1990 की बात कर रहा हूं। तो एक जज ने लाहौर हाईकोर्ट ने इनके ऊपर, इसने इनके ऊपर नोटिस ले लिया, तो तब भी दूसरे जजेस को साथ मिला के रिश्वत दे के उस जज को इन्होंने जीरो कर दिया था। और इनको जज वो पसंद थे, और इनके टेलीफोन कॉन्वर्सेशन है कि जज साहब जनाब बेनजीर को 3 साल ना सजा हो बल्कि 5 साल हो। ये वो हैं जो कि इनकी टेलीफोन के ऊपर जजेस इनके ऊपर लाइन पे होते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर हमला किया। एक सज्जाद अली शाह जैसा एक ईमानदार दयानतदार जज चीफ जस्टिस के उसके सुप्रीम कोर्ट पे हमला करके उनको वहां से वो जान बचा के भागे। और उसके बाद रफीक ताड़ जो इनका जो जिसको इन्होंने सदर बनाया था, उसने वो ब्रीफ केसेस लेके गए और इन्होंने क्वेटा बेंच को खरीदा। ये सज्जाद अली शाह ने अपनी किताब में लिखा, और इन्होंने रिवोल्ट करवाई, तकसीम किया, और इस तरह एक सिटिंग चीफ जस्टिस को हटाया। अब इनकी ये तारीख है, और ये जज वो चाहते हैं जो कि ऐसे अंपायर जो